नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम वृंदा वै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको इधर साइड में रखो, दिखा नहीं पड़ता है। आप लोग थोड़ा इस साइड में बैठ, लेडीज इस साइड, इस साइड बैठ। You translate them. They understand. Mm-hmm. They understand English. English. No, I will speak Hindi. But he's translating English. But no radio. No radio. You can sit here. But how does he know? Okay. हिंदी समझते हो? ओके, ठीक है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद पाष्टुतर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद पाष्टुतर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमरों में अनंत ही साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान गौरगुण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरी कथा पिपासु सत्यवृंद सभीों की मेरा यथाथ धन्यवाद प्रणाम। आज अतिव सुंदर पवित्र दिवस है जिसमें वैष्णव की आविर्भाव तिथि मनाया जा रहा है। विशेष करके शिष्य नित्य लाभ भक्ति वेदांत
स्वामी महाराज के दीक्षित और सन्नास शिष्य नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सिंह गौरगुंद गोस्वामी महाराज की आज आविर्भाव तिथि है। गुरुदेव की जब गुरुदेव विदेश में प्रचार किया, विशेष करके गौरगुंद गोस्वामी महाराज के शिष्य लोग प्रभुत्व रूप में है, बहुत रूप में जो है गुरुदेव के प्रचार कार्य में सहायता की, विशेष करके ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड देश में गौरगुंद गोस्वामी महाराज के शिष्य लोग जो है गुरुदेव के बहुत सहायता की। समझ में आ रहे हैं? हाँ, गौरगोविंद महाराज विशेष करके ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड में गौरगोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य लोग जो है गुरुदेव की बहुत प्रचार कार्य में जो है सहायता की, सब प्रकार से धन दे करके सब प्रकार की उन्होंने सेवा की है। इसलिए आज गौरगोविंद गोस्वामी महाराज के अपराकृत जीवन चरित कथा हम श्रवण करेंगे। यद्यपि काल हम इंग्लिश में बताया था, तथापि आज उनकी आविर्भाव तिथि है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया वैष्णवीर गुणगान कोरिले जीवेर त्राण। वैष्णव की कथा श्रवण करने से जीव माया से मुक्त हो सकता है, विशेष करके शुद्ध भक्त की जीवन चरित कथा श्रवण करने से, सुनने से हमारे हृदय में भजन की एक उत्साह है, उत्साह जगता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया वैष्णव के अपराकृत जीवन चरित कथा यानी भक्त जीवन भक्त चरित कथा श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार गौरगोविंद गोस्वामी महाराज अपने संसार जीवन के परित्याग करके सदगुरु आश्रय किया। गौरगोविंद गोस्वामी महाराज उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी के सन्निकट में ही उन्होंने आविर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे। बचपन से ही वे संसार के प्रति विराग थे, वैराग्य थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही स्वाभाविक रूप में संसार से विरक्त थे, उसी प्रकार गौरगोविंद गोस्वामी महाराज बचपन से स्वाभाविक रूप में वैराग्यवान थे। क्यों? ने साधु संघ की एक विशेष प्रभाव बताया गया। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन में हरदास ठाकुर के संघ प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार गौरगोविंद गोस्वामी महाराज उन्होंने बचपन में साधु संघ किया। क्योंकि साधु संघ की फल क्या है? संसार प्रति वैराग्य आ जाना, विराग, और साथ ही साथ भगवान के प्रति प्रबल अनुराग होना। अद्वैतवादी लोग तो विराग हो जाते संसार से, अनासक्त होते हैं, किंतु वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और भक्त लोग संसार से वैराग्य होने के साथ ही साथ भगवान के साथ जोड़ते हैं, भक्ति है।
इसलिए गौरगंध गोस्वामी महाराज की जीवन चरित हमने जैसे श्रवण किया ऐसे बताने के प्रयास कर रहे हैं। श्रील गुरुदेव 96 में उनकी विग्रह आदि प्रतिष्ठा में संग गए थे, उनके जो विग्रह प्रतिष्ठा में गए थे तो गुरुदेव भी वहीं पर भी सुंदर भी लेक्चर भी दिया, ये सब स्मरण है। भुवनेश्वर में, हाँ भुवनेश्वर में गौरगंध गोस्वामी जी के मठ है, विशाल मठ है। हाँ देखेंगे, हम लोग भी गए थे कई बार, तो हम गए एक बार नहीं, सेवरल टाइम्स। तो उस गौरगंध गोस्वामी महाराज उन्होंने गदाईगिरी के पास ही रहे और गोपाल जी की उन्होंने सेवा आदि किया। फिर उन्होंने बीए डिग्री बैचलर डिग्री उन्होंने प्राप्त किया उड़ीसा यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री प्राप्त किया। और इसके पश्चात जो है उन्होंने एक जॉब भी मिला, स्कूल के जो है हेडमास्टर के पद उन्होंने प्राप्त किया, हेडमास्टर। जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जीवन चरित हम देखते हैं, गौरगंध गोस्वामी महाराज के जीवन चरित भी उसी प्रकार भी किस लगाव है। जिस संग उन्होंने विवाह भी किया, गृहस्थ जीवन भी पालन किया है, क्योंकि महाप्रभु के विचार के थे, गृह बा बने थे थाके हागोरंग बोले डाके नरोत्तम मागे तारे संग। घर में रहें अथवा त्याग भी ले उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, जई भजे सही बड़ो अभक्त इंचार, कृष्ण भजन एर नाही जाति कुलादि विचार। घर में रह करके भजन की अनुकूल परिवेश हो तो भजन करें, और घर की अनुकूल परिवेश नहीं हो, गृह त्याग करके मठ मंदिर में व्रत होकर के भगवान की भजन करें। तो गौरगंध गोस्वामी महाराज अपने वैवाहिक जीवन मैरिज लाइफ व्यतीत किया, इसके पश्चात उन्होंने सदगुरु संधान के लिए चल पड़े, क्योंकि शास्त्र में कहता है जब तक गुरु ग्रहण नहीं हो तब तक भजन नहीं होगा, बिनु गुरु भव निधि तरियो न कोई, जो विरिंची शंकर सम हो। ब्रह्मा अथवा शिव जी के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए किंतु यदि गुरु ग्रहण नहीं हो तो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते है। इसलिए गौरगंध गोस्वामी महाराज सदगुरु अनुसंधान के खोजने के लिए उन्होंने देखो अपने इतने बड़े पोस्ट है छोड़ करके चल पड़े, और अपने गांव के चलते चलते विचार करने लगे कि मैं थोड़ा तीर्थ दर्शन करूं। तीर्थ दर्शन करने के लिए घर छोड़ करके चल पड़े, और चलते चलते एक मंदिर में जाकर के उन्होंने रात्रि काल में विश्राम किया। रात्रि काल में जब विश्राम किया वो एक देवी के मंदिर था, और साक्षात वो देवी दुर्गा है उनके निकट आकर के बोली, देखो तुम बहु भगवान हो, मैं माया देवी हूँ, ऐसे कोई जीव इस संसार से बाहर नहीं जा सकते, किंतु तुम्हारे उत्कंठा वैराग्य देख करके मैं तुमको मैं छोड़ देती हूँ। गीता में जैसे भगवान ने कहा, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामी में जो प्रबद्धंते माया में तरंती थे, गीता में भी भगवान कहते हैं हे अर्जुन मेरे दैवी माया को जय करना किसी के संभव नहीं है। इस संसार में माया क्या चीज़ है,
माया है क्या? जो हम लोग कहते हैं माया माया माया, म्रियते अनया इति माया, जो वस्तु हम अपने मन व बुद्धि के द्वारा नाप लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उसे माया कहा जाता है। जो वस्तु नित्य नहीं है, अनित्य वस्तु के नित्य ज्ञान करके जिसमें हम आसक्ति रखते हैं, वही तो माया, और कुछ नहीं। ये माया देवी क्या करती है, हमें एक भ्रम पैदा कर देती है। भ्रम क्या है? जैसे सुक्ति में रजत भ्रम, रजत में सुक्ति भ्रम है, क्या है? What is the भ्रम? Illusion, which is not true. You are thinking that is true. है? सीप में, सीप होते हैं ना, उससे क्या होते हैं? सोच रहा है ये सिल्वर है, है? क्योंकि डिलाइटफुल होते हैं और है? किंतु वास्तव है क्या चीज? जो सत्य नहीं है उसके असत्य ज्ञान करा देते हैं, और जो असत्य है उसके सत्य ज्ञान करा देते हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं? भगवान के दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। किंतु माया देवी हमें क्या कर देती है? हमारे स्वरूप को ढक देती है, है? और ये जड़ शरीर प्रति आसक्ति करा देती है। इसी कहते माया, म्रियते अनया इति माया, है? जो हम अपने मन बुद्धि, जड़ मन बुद्धि के द्वारा नाप लेते हैं, इसकी माया कहा जाता है। और उसके द्वारा ही जीव आसक्ति होकर के संसार में भ्रमण करते रहते हैं, है? तो उसी प्रकार माया देवी के लिए गीता में भगवान कहते हैं, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामी में जो प्रवदन्ते माया में तन तरंतिते, जो संपूर्ण रूप से मेरे शरण में ले लेते हैं, तब वो माया की, मेरी दैवी माया को वो जय कर सकते हैं। तो उसी प्रकार साक्षात वो देवी दुर्गा गौरगंध गोस्वामी महाराज जी कहा, जाओ मैं तुमको इस संसार से मैं छोड़ देती हूँ, जाओ आगे जाओ, है? देखो, तब उन्होंने क्या कि अनेकों तीर्थ दर्शन करते हुए, पैदल पैदल तीर्थ दर्शन करते करते ये वृंदावन में पधारे। यहाँ तक भी उनके शिष्य लोग कहते हैं, है? मैंने उनके शिष्य लोग के मुखारविंद जो श्रवण किया, ये तीर्थ भ्रमण करते करते वो यहाँ पर भी मथुरा में भी आए थे, हमारी ये जो गौड़ीय मठ जो है उन, है? इसमें ही आए थे वो, किंतु उनके पता नहीं था यहाँ पर जो प्रभुपाद साई महाराज जी के जो यहाँ पर सन्नास हुई है, आ समझे, यहाँ पर साई महाराज जी की हाँ यहाँ पर साई महाराज की सन्नास हुआ था। अब उसमें चित्रपट देखा ना आपने, चित्रपट देखा, ये साई महाराज की सन्नास हुआ था नहीं, इस तरफ ने वो बाहर है, बाहर रखा गया है, अच्छा कोने में रखा है, उस कोने में है उस तरफ, अच्छा है? हाँ, ये साई महाराज के सन्नास स्थल है, यहाँ पर साई महाराज भी रहे हैं, उनके प्रतिष्ठित विग्रह ये है, कौन सा? ये महाप्रभु देख रहे हैं ना, ये जो बड़े महाप्रभु देख रहे हैं, छोटा नहीं, बड़े महाप्रभु जो है, ये साई महाराज के पूजित विग्रह है, उनकी विग्रह है ये विग्रह, वहीं पर उन्हें रख करके गए, यहीं पर भजन किया, वहीं पर रख करके गए। देखा आपने नहीं, ये जयपुर से उन्हें नहीं लाया था, जब से कहाँ से मैं झांसी से एक जो है राधा कृष्ण नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु बड़े जो है उनकी पूजित विग्रह है, उन्होंने सेवा करते करते थे, है?
महाभागवत के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह यहाँ पर है, है, है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब आए थे उस समय गुरुदेव जो है कहीं अन्यत्र चले गए थे, इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज किसी कार्यवश जयपुर हो बम्बई कहीं भी चले गए थे, नहीं थे, इसलिए उस समय गुरुदेव के साथ मिलन नहीं। फिर यहाँ पर से आप यहाँ पर चले गए वृंदावन, वृंदावन परिक्रमा किया, परिक्रमा करते करते जो पंचकोशी परिक्रमा कर रहे थे वो वृंदावन, तो स्कन के गौशाला के पास जब आए वहीं पर वो लिखा रहता है स्कन गौशाला लिखा रहता है, स्कन मंदिर और गौशाला लिखा है भाई एरो, बस उसी को देख करके वो अंदर गए है और जाकर के पहले उनके संदर्शन हुई साईं महाराज के डायरेक्ट है। उस समय भक्तिवेदांत साईं महाराज है विराजमान थे है, डायरेक्ट उनके दर्शन हुआ और दर्शन करके बस उन्होंने उनके चरण में अपने को समर्पित कर दिया। बल वृंदावन बिहारी लाल की है। और फिर श्रील भक्तिवेदांत साई महाराज उनको हरिनाम दीक्षा और अंत में संन्यास भी दिया। एक ही साल में उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त किया और संन्यास भी दिया। ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर पहले हरिनाम दिया जाता है, इसके कुछ सालों के बाद दीक्षा मंत्र दिया जाता है, इसके बाद है संन्यास दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि संन्यास कोई साधारण की खेल की बात नहीं है, है आजकल, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया सन्यासी यदि पतित हो जाए उसके मृत्यु दंड छोड़कर कोई और उनकी दंड नहीं है, आज महाप्रभु की विशेष दंड बताया, महाप्रभु ने दंड दिया हरिदास ठाकुर के कहा छोटा हरिदास है आज, चलो ब्रह्मचारी और कोई भी कोई आगे पीछे हो कोई भी बात नहीं है, किंतु सन्यासी के लिए किसी प्रकार ये नहीं है, है? किंतु देखो गौरगंध गोस्वामी महाराज जब आए ना एक ही साल में है, किसने साल में 1975 में उन्होंने दीक्षा हरिनाम लिया और 1975 में ही उन्होंने संन्यास भी लिया एक ही साल में है, ये बहुत कम दिखाई पड़ता है, जिससे उनके गुरु भ्राता भी जो है कंप्लेन करने लगे, किंतु साईं महाराज करने लगे तुम जानते हो ये नित्य सिद्ध है, है? सदगुरु जो है पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं, यहाँ तक भी उनके संन्यास देने के समय जो दंड रखा गया उनको किसी को बताया नहीं है, उस समय जो है बोले किसके संन्यास होगा, ये दंड किसके लिए बना रहे हैं किसी नहीं बताया, और जब उनके नाम घोषणा की जब आई तब उनके सारे गुरु भ्राता जो है सरप्राइज हो गए और साईं महाराज के कहने ये तो अभी एक साल भी हुआ ही नहीं मानो इसके संन्यास, साईं महाराज कर गए तुम गुरु हैं कि मैं गुरु हैं, तो इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और एक तो विद्वान भी तो थे है, शास्त्रवीद भी थे और बचपन की स्वभाव भी है, है भाई देखो जो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के स्वभाव है स्वाभाविक रूप में ही रहता है कि नहीं, देखो बचपन से ही उन्होंने भजन साधन किया सत्संग आदि किया है ये स्वाभाविक रूप में, और विद्वान भी तो है ही, हेडमास्टर थे साधारण थोड़ी थे है, और बैचलर डिग्री भी उन्होंने प्राप्त किया, उच्च शिक्षित थे उस समय है, इसलिए उन्होंने साईं महाराज के सारे तत्व सिद्धांत जो है जल्दी जल्दी ही है
जान लेते, सब कुछ ये कर लेते, विचार के धारा को जान लेते थे। और साई महाराज उनकी भी कहा, ये देखो मेरे जितने भी ग्रंथ जो है, मेरे जितने हरि कथा जो है, ये सब तुम अपने मातृभाषा में ट्रांसक्राइब करो, हैं उड़िया भाषा में है, क्योंकि जो जिसके होता है उसी भाषा की जो है उस इजी होता है ट्रांसक्राइब करने के लिए है। इसलिए उन्होंने किया कि देखो गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर, आदेश प्राप्त करके है सारे साईं महाराज के जितने भी ग्रंथ जो है उड़िया भाषा में उन्होंने ट्रांसक्राइब किया है। और उनके कहा जाओ जगन्नाथ क्या भुवनेश्वर में जाओ, जागरूक वहीं पर एक प्रचार केंद्र खोलो है, सेंटर खोलना चाहिए है। क्योंकि महाप्रभु ने कहा क्या, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, महाप्रभु के आदेश है, प्रिडिक्टेड है। इसलिए सही मार्ग के जाओ, किंतु उनके पास कोई है ही नहीं, अकेला क्या करेंगे है। कलयुग में शिष्य तो मिलना बहुत कठिन होता है ना, कहाँ मिले सेवक, कहाँ मिले है। किंतु देखो उन्होंने किया कि चले गए जगन्नाथपुरी माने भुवनेश्वर गए है। और भुवनेश्वर में जाकर के वहीं पर एक कुटिया बनाया, वो भी कहाँ, अभी जो देख रहे हैं जो भुवनेश्वर में जो उनके जो बड़े मंदिर जो है वो बिल्कुल है चोर गुंडे बदमाश के जो अड्डा था वो है दुष्ट लोग रहता था है। और अकेला साथ में कोई सेवक नहीं है, है कि गुरुदेव की बचने के ऊपर इतने प्रगाढ़ जो है विश्वास है। गुरुपाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार तारित से ही धरे महाशक्ति है। देखो गौरगंध वस्त्र मारे अपने गुरु के बचने के ऊपर कैसे दृढ़ विश्वास है, अकेला कोई सेवक नहीं है, कुछ नहीं है, और अकेला वहीं पर एक कुटिया बनाया और भजन करने लगे। अपने पास ठाकुर जी गोपाल जी ठाकुर और ट्रांसक्राइब गुरुदेव की जो कथा जो उसको करके फिर प्रचार करने लगे। अपने संग माधुकरी करने के लिए जाते थे, ठाकुर जी के सेवा सब अकेला करते थे। साईं महाराज भक्ति वेदांत तो साईं महाराज उनको बोला ये देखो ये तुम्हारे मंदिर एक दिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मंदिर के रूप में प्रसिद्धि होगा। देखो इसलिए गुरु के बचने के ऊपर इतने तीव्र जो है प्रगाढ़ जो है विश्वास, गुरु वचन के प्रति विश्वास। सबसे भजन की रीढ़ क्या है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ आवर भजन इन साधन, गुरु पाद पद में बचने के ऊपर विश्वास है। देखो कैसे भजन कर है, हम लोग तो यहाँ पर अरे कोई बर्तन मांज रहे हैं, कोई साफ कर रहे हैं, कोई झाड़ू दे रहे हैं है, किंतु उन्होंने अकेले बोले विचार करने लगे कैसे। और स्वयं साईं महाराज जी ने कहा मैं तुम्हारे मंदिर में जाऊंगा जरूर है। और फिर साईं महाराज भी आए भी थे और देखो आज वो मंदिर कितने विशाल मंदिर हो, जो लोग भुवनेश्वर गए होंगे देखे होंगे इतने विशाल मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया उन्होंने है। और उनके जीवन की एक विशेष वैशिष्ट जो हम बताते जा रहे हैं है, किसी प्रकार उन्होंने पॉलिटिक्स के द्वारा वो इन्वॉल्व नहीं होते है। उनके साईं महाराज जाने के बाद उनके बहुत जो है
जीबीसी बनाया, ये वो क्या बहुत, किंतु उन्होंने निर्भीक वक्ता थे। विशेष करके उनकी जीबीसी जो है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास की है। विशेष करके उन्हें निर्भीक वक्ता थे। जैसे दो एक मैं उदाहरण देता हूँ, ये जीव वैकुंठ से पतन हो गया है, किंतु उन्होंने कहा नहीं, जीव वैकुंठ से कैसे पतन हो, जीव की उत्पत्ति कहाँ है? तो उन्होंने ये दिखा जी, क्योंकि भागवत गीता में स्वयं भगवान क्या कहते हैं, जदगत्वा नानिवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जो जीव मेरे धाम में आ जाता है वो मेरे धाम से कभी उसके पतन नहीं होता है। जानति देवाव्रता देवानो पितृजानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्जा मत जाजिनोपि मम। गीता में भगवान कहते हैं जो जिसकी उपासना करते हैं वो अपने उपास्य के स्थान पर चले जाते हैं, किंतु मेरे उपासना वो हुए पर जाने पर भी फिर उनको पतन होता है। तेतं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्योलोकं विशन्ति। पुण्य आदि कर्म के द्वारा जीव स्वर्गलोक में चले जाएंगे, किंतु स्वर्गलोक से उनके नीचे आना पड़ेगा। किंतु कोई भगवत धाम में जाए, वैकुंठ धाम में जाए, उनके कोई पतन नहीं होता। इसलिए जीव के पतन कैसे होगा है? किंतु उन्होंने देखो, इस्कन में रहते हुए पर भी है सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बहाल रहा, नहीं जो सत्य सत्य ही बोलना पड़ेगा है। गण गड्डालिका प्रभाव में चलना नहीं है। गण गड्डालिका प्रभाव में क्या, गण गड्डालिका जैसे क्या बोलते हैं, जो बै बै करते हैं, क्या बोलते हैं, भेड़ चाल है, भेड़ है ना, भेड़ कैसे चले, एक भेड़ आगे चले सारे पीछे उनके चब चलते रहते हैं है? हाँ ऐसे नहीं है, एक व्यक्ति कुछ भेड़ लेकर के चल रहे, बीच में एक छोटा नदी है, पार कैसे करेंगे? तो उन्होंने किया कि एक भेड़ के पकड़ा और नदी के पानी में डाल दे, वो तरते तरते उधर चल गया, सारे भेड़ अपने आप चले गए। इसलिए कहते हैं गणा, इसको ही कहा जाता है गण गड्डालिका प्रवाह है। बोले ऐसे नहीं, जो सत्य सत्य ही बोलना पड़ेगा। देखो इस्कन में रहते हुए पर भी उन्होंने क्या कि ये विचार के ऊपर उन्होंने प्रतिवाद किया। यद्यपि उनकी अनेकों जो है गुरु भ्राता और क्या बोलते हैं जीबीसी, उनके ऊपर ये लगाया है प्रोहिबिटेड लगाया, प्रतिबंधक लगाया, नहीं आप ऐसे जीव तत्व के बारे में नहीं कह सकते है। आज किंतु उन्होंने निर्भीक और निडोर होकर के है सत्य की स्थापन की। सत्य बोलना चाहिए, जो सत्य है सिद्धांत सत्य होना चाहिए। कि संस्था में रह करके सिद्धांत को उल्टा पुल्टा बोले ये ठीक नहीं। इसलिए गौरगोविंद गोस्वामी महाराज सारे सिद्धांत दी कंक्लूजन है, और हमारे पूर्व आचार्य की कंक्लूजन भक्ति सिद्धांत से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद है, और सारे गौड़ी सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की है। दूसरी एक उन्होंने एक विशेष जो है ये कुछ जो है महाप्रभु के सिर पर ये लगा देते, मोर पंखा लगा देता है। मेरे महाप्रभु तो कृष्ण है, तो कृष्ण मोर पंखा धारण करते हैं और महाप्रभु की भी लगा देते हैं है। किंतु उन्होंने प्रतिवाद किया, ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, दिस इज अंतर कृष्ण बहिर्गौर, किंतु वो कृष्ण अभी हमारे निकट कैसे प्रकट हुए? भक्तभाव अंगीकार करी है, भक्तभाव अंगीकार कर, भक्तभाव लेकर का है। इसलिए उनकी यदि मोर पंखा लगा दिया जाए तो क्या होगा, उनके भाव की बाधा है,
है, गौर नागरिकता तो बाद के उन्होंने खंडन किया। देखो एक ही संस्था में रहते हुए पर भी है उन्होंने कैसे सत्य की स्थापन किया। और यह सिद्ध केवल नहीं है, उनकी जो कथा जो हरि कथा जो है इतने मधुर है, उच्च स्तर के बहुत कथा सुनाते थे है, गौड़ीय सिद्धांत बोलते थे। अनर्पित चरिंग चिराद करुणया अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल सन सुभक्ति श्रियम हरि प्रट सुंदर दिदी कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। जो चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की जो अपूर्व प्रेम धन देने के लिए आए थे उसकी कथा ही बताते थे है, इसलिए उनकी हरि कथा भी सदा सर्व मधुर रस की कथा भी बोलते हैं। और साथ ही साथ विधि मार्ग और राग मार्ग के लेकर के चलते हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के विचार क्या है, विधि मार्ग रत जने साधीनता रत्न दने राग मार्गे करानो प्रवेश। विधि मार्ग चलना पड़ता है और चलते चलते चित्त निर्मल आदि होने पर शुद्ध भक्त के संग है, रागानुगा भक्त के संग एक प्रभाव से हृदय में लोभ उत्पन्न होता है, तब धीरे धीरे वो ये ब्रज रागानुगा मार्ग में चलते। इसलिए उन्होंने कहा कि साथ ही साथ विधि मार्ग की कथा और ब्रज राग भक्ति की कथा भी बता देते है, क्योंकि एक व्यक्ति की भजन वैशिष्ट हम कैसे समझेंगे उनकी ग्रंथ आदि आलोचना करने से पढ़ने से। जैसे हम कहते हैं रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद महापुरु के परिकर थे, महापुरु के भाव को जानने वाले थे, कैसे हम कहते हैं, कहने तो नहीं होगा, उनकी ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल इंदमणि विदग्ध माधव ललित माधव ये समस्त ग्रंथ पढ़ने से जी रूप गोस्वामी पाद की जीवन चरित्र और महापुरुष के कैसे कृपा पात्र थे धन्यवाद तो हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद की बारे में हम कैसे जाने उनकी ग्रंथ आदि आलोचना करने से ने? ठीक उसी प्रकार गौरगंध गोस्वामी महाराज की ग्रंथ यदि आप लोग पढ़े आप लोग देखेंगे ये वास्तव वो कैसे उच्च स्तर के रसिक महत्व महान थे महत्व है साधु थे। इसलिए गुरुदेव स्वयं कहा गुरुदेव के इसलिए गुरुदेव के लेक्चर में कह रहे हैं मेरे विचार और गौरगंध गोस्वामी के विचार में कोई भेद नहीं है, एक ही विचार है। उन्हें कहते थे गुरुदेव के कई लेक्चर में कहा विशेष करके गौरगंध गोस्वामी के दो ग्रंथ यदि आप लोग आलोचना करें तब तो आपको पता चलेगा। एक है क्या ग्रंथ है दी क्या ग्रंथ है मथुरा मीट्स विथ वृंदावन भ्रमर गीत के जैसे उन्होंने लिखा है ग्रंथ बहुत सुंदर रस माधुर जब विरह की ग्रंथ है वो है मथुरा मीट्स विथ वृंदावन हाँ मथुरा मीट्स वृंदावन मथुरा वृंदावन के मिलन है तात्पर्य क्या है वही भ्रमर गीत के कथा जो है मानो उद्धव मथुरा के प्रतिनिधि होकर के वृंदावन में दर्शन किया जो है जिसको कहा जाए उद्धव संदेश है ये समझता जो दिखा जैसे भ्रमर गीत। और दूसरी उनके ग्रंथ क्या है महापुरुष के विरह की वैशिष्ट देख दिया एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन है ये दोनों ग्रंथ जो है बहुत सुंदर उन्होंने इस ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर दिया है जगन्नाथपुरी में दो विरह की मूर्ति विराजमान है ये कहते कृष्ण विरह विदुर राधा राधा विरह विदुर कृष्ण है महाप्रभु अपने को राधा मानते हैं
और जगन्नाथ जी को साक्षात भजनंदन श्याम सुंदर मान करके दर्शन करते थे और महाप्रभु कैसे भाव में विवाहित होकर के नित्य आदि करते थे, जैसे काल अथवा पुरुष मैंने कहा था ये किस प्रकार, विशेष करके जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु ऐसे सुंदर नृत्य करते थे, जिस नृत्य के देख करके साक्षात जगन्नाथ भी आश्चर्यचकित हो जाते, विस्मित तो वही ना जगन्नाथ है। इसलिए कहा था ना जो लोग संगीत विद्या लेकर के आलोचना आदि करते हैं, नायक का जो नृत्य होता है उसके कहते हैं तांडव नृत्य कहा जाता है, और नायिका का जो नृत्य होता है उसके कहा जाता है क्या बताया था, लस्य नृत्य कहा जाता है, है ना, उसमें राधा की कृपा करके रस्य लस्य नृत्य गीत गदगद उसमें है, एक होता है तांडव नृत्य और एक होता है लस्य नृत्य है। नायिका के स्त्रियों के जो नृत्य होता है उसके कहा जाता है लस्य नृत्य कहा जाता है, और पुरुषों के जो नृत्य होता है उसके कहा जाता है तांडव नृत्य कहा जाता है, और फिर स्त्री पुरुषों के मिलन नायक और नायिका के मिलन में जो नृत्य आदि होता है उसे कहा जाता है क्या बताया था, हल्लीसक नृत्य है। ये समस्त हमें तो ये सब ज्ञान नहीं है, जो लोग ये समस्त क्या बोले संगीत शास्त्र लेकर के जो आलोचना करते हैं वो लोग बताते हैं है? बड़े बड़े संगीत लेकर के जो आलोचना करते हैं ताल लय मान आदि ये सब जो जैसे करते हैं है? और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने जब नृत्य आदि करते थे ऐसे नृत्य के देख करके साक्षात जगन्नाथ भी आश्चर्य हो जाते हैं। रास काल में तो नृत्य राधा जी तो नृत्य किया, किंतु आज चैतन्य महाप्रभु राधा भाव मिलित तनु, और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु अपने के राधा मान कर जो नृत्य आदि कर रहे वो क्या अपूर्व था है। चलो तो इन्होंने मेरे कहने की तात्पर्य है ये गौरीगंद गोस्वामी महाराज इतने सुंदर सिद्धांत दिखाया गया है, ये जगन्नाथपुरी में दो विरह की मूर्ति की उन्होंने दिखाया, ये कृष्ण विरह विदुर राधा और राधा विरह विदुर कृष्ण, ये कृष्ण कैसे राधा जी की विरह की चिंतन करते जा रहे हैं, और राधा जी की विरह चिंतन करते करते संग कृष्ण कैसे द्रवीभूत हो गया, ये जगन्नाथ जो है क्या चीज, यही तो प्रेम की सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं है? जिससे गुरुदेव भी जो ग्रंथ लिखा क्या ग्रंथ ओरिजिन रथ यात्रा, उसमें उसमें गुरुदेव भी कई पॉइंट भी क्या, ये कुछ कथाओं जो है गौरगंध गोस्वामी महाराज की जो है लेक्चर उनकी भी सामंजस्य करके उनकी भी उन्होंने तारीफ भी किया, वास्तविक सत्य अनेकों लीलाओं जो है गौरगंध गोस्वामी महाराज ने लिखा है, बहुत सुंदर ये समस्त कथा है। क्योंकि महाभागवत की ग्रंथ आदि अध्ययन करने से तो पता चलता है गोसैन महाराज तक बताएंगे, मैं समाप्त करता हूँ अभी दो मिनट में। देखो शिला गुरुदेव जब जगन्नाथपुरी में थे, यह पर मैं समाप्त कर दो मिनट में समाप्त करता हूँ, गुरुदेव जब जगन्नाथपुरी में विराजमान थे, मेरे ख्याल से उस समय जो है वो था क्या बोलते हैं पुरुषोत्तम मायने था, और गुरुदेव सिंघानिया के घर में वहीं पर रहे समुद्र के तट पर विशाल जो है, हम लोग भी गुरुदेव के पास हैं, कुछ भक्त लोग नीलाचल गौड़ियो भट्ट में थे और कुछ भक्त लोग जो है गुरुदेव के साथ रहे कुछ है। देखो गौरगंध गोस्वामी महाराज साक्षात जो है उस समय गुरुदेव के साथ मिलने के लिए आए थे, किंतु उनके कुछ शिष्य लोग इसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, बोले कभी नहीं मिले है, बोले कभी नहीं मिले थोड़ी कोई कहने जी कोई हो जाता है इसके एविडेंस को गुरुदेव भी संग स्वीकार किया जी हाँ गौरगंध गोस्वामी महाराज आए थे मेरे साथ मिले, और उसमें मेरे भी मैं भी एविडेंस हूँ, मेरा चाचा भी एविडेंस है श्रील महाराज जी भी एविडेंस है उन्होंने आए थे
गुरुदेव के साथ मिलने के लिए पहले आए थे, उन्होंने करीब 11:30 आए थे। उस समय गुरुदेव जो है प्रसाद के ग्रहण के बाद गुरुदेव की विश्राम करना था, अर्थात गुरुदेव प्रसाद के बाद जो है किसके साथ बात नहीं करते। तो माधव महाराज के उस समय नवीन कृष्ण उनके बोला जे आए, बोले नहीं अभी दर्शन के 4 बजे आ जाए। देखो ठीक 4 PM पुनः आया और गुरुदेव साथ मिले है और सुंदर कथा आदि भी उनके साथ आलोचना है। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के साथ मिले, दाड लागी पूछे यह साधुर व्यवहार है, दैन दृढ़ता के लिए साधु तो पूछते हैं, उसी प्रकार गौरगंध गोस्वामी महाराज सर्वज्ञ सब शास्त्रविद होते भी रसिक आचार्य होते पर भी शिला गुरुदेव के साथ मिले और अनेकों जो है प्रश्न विचार आदि ये सब जो है प्रश्न भी किया था है, ये नहीं है तो मैं जानता हूँ तो सुनना नहीं चाहिए, बस सुनना तो ऐसे नहीं था। और दृढ़ता अपनी दृढ़ता के लिए दैन करके प्रश्न पूछा। अभी महाराज जी बताएंगे, समय हो गया है। तो ऐसे महान उत्तम भागवत है गौरमुद्ध गोस्वामी महाराज, जिसकी अंतर्ध्यान जनिक अप्रकट होने के बाद श्री गुरुदेव स्वयं जो है गए थे जगन्नाथ क्या बोले भुवनेश्वर में उनकी विग्रह प्रतिष्ठा के लिए है। आई थिंक इन 1996 में होगा है, गुरुदेव स्वयं गए थे है। उसमें गुरुदेव की प्रवचन दिए, गुरुदेव स्वयं कर, मैं आज गुरुदेव के लेक्चर सुन रहा था है, जय गोविंद गोस्वामी महाराज की विग्रह प्रतिष्ठा में आया गया था, ये शुभानंद गए थे, नवीन गए थे और गुरुदेव भी बता रहे थे, किंतु वहाँ पर उन लोग के कुछ पॉलिटिक्स है, तथापि मैं पॉलिटिक्स के ये करके नेग्लेक्ट करके मैंने अपने कर्तव्य के जो है ये किया। बहुत सुंदर सुंदर कथा बताया है। अभी कथा को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि महाराज जी बताएंगे है, वो तो साक्षात रूप में महाराज के साथ रहे और कैसे गौरगोविंद के साथ मिले और कैसे विग्रह आदि प्रतिष्ठा किया है। गौरगोविंद गोस्वामी के विग्रह